Hello students, in this lecture we are going to discuss the convolution sum of these two sequences xn and hn. Xn will be a finite sequence. Here we have up to what is uk minus 4. This is why I have written xk and h of k, because we have to find the y of n. So y of n will be the convolution of x of n convolution with h of n. So yn will be, if you put the formula of this convolution, then what is the formula of convolution? Summation of k equals to minus infinity to plus infinity x of k of h of into h of n minus k. So we have xn here, un minus 4. तो ये क्या कर रहा है? ये एक यूनिट स्टेप है और एक n minus 4 शिफ्टेड वर्जन है 4 से. तो एक यूनिट स्टेप है ऐसा और एक 4 से शिफ्टेड वर्जन है फ्रॉम द फोर यूनिट स्टेप स्टार्टिंग फ्रॉम द फोर्थ सैंपल. ओके, तो ये दोनों के बीच में जब माइनस होगा तो माइनस में क्या आएगा? सॉरी, दिस 4 विल नॉट बी देयर. सो अप टू 3 इट विल कम. ये माइनस हो जाएगा, जैसे ये 1 1 1, 0 से 1 इंफिनिटी तक है और ये 4 से शुरू हो रहा है. तो 0 से 3 तक जो रहेगा डेट विल कम इन दिस x of n. तो ये convolution में x of k है, तो we are replacing this n with k. Nothing changes, but just the replacement of this variable. ठीक है, तो उससे sequence में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वही रहेगा. तो uk minus 4 जो है, इन दोनों का sequence minus होकर ही आएगा. Next जो हमारा impulse response signal जो है, h of n क्या है? A की जो value है, that is less than 1, greater than 0 but less than 1. So it will be something like this, that a to the n, तो a की पावर 0 जब होगी, जब 0 सैंपल में है, तो 0 में a to the 0 1 होगा, फिर वो धीरे-धीरे डिक्रीज होता रहेगा, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, वो less than 1 है. तो कोई भी वैल्यू अगर less than 1 है, उसका स्क्वायर हो, तो वो उसकी वैल्यू कम होती रहेगी. ठीक है, तो ये हमने इसमें भी k से रिप्लेस कर दिया n को, as the we are replacing the variable. ओके, जब इस कॉन्वोल्यूशन, वी हैव टू डू दिस कॉन्वोल्यूशन, तो इस कॉन्वोल्यूशन में हम क्या देख रहे हैं? वी हैव टू परफॉर्म द शिफ्टिंग एंड रिवर्सल ऑपरेशन. तो h ऑफ n माइनस k, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सपोज करो शिफ्ट करते हैं, फिर रिवर्स करेंगे. दैट आई हैव टीच यू इन द प्रीवियस लेक्चर, दैट हाउ शिफ्टिंग एंड रिवर्सल विल बी देयर इन दिस टाइप ऑफ सिग्नल. सो h ऑफ n माइनस k अगर आता है, तो n के जगह में हमने n माइनस k रिप्लेस कर दिया है और ये इस तरीके से आएगा. अब इस n पे डिपेंड करेगा कि y उनकी वैल्यू क्या क्या है. तो अलग अलग कंडीशन हम लेते हैं. सबसे पहले हम ये लेते हैं कि अगर n की वैल्यू जो है, जो शिफ्ट हुआ है, फॉर n लेस देन जीरो, अगर ये लेस देन जीरो है जो कि यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये हमने क्या करना है, ये yn क्या है, xk into h of n minus k. तो into होगा, अगर n less than 0 अगर होता है, तो ये वाला सिग्नल, ये क्या है, n less than 0 ही है, ये h of n minus k. तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा, h of n minus k, h of k, x of k. तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, यहाँ तो 0 है, तो ये n भी क्या नेगेटिव में है, यहाँ 0 है और यहाँ क्या है, 1 1 1, ये जो है. लेकिन ये और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आएगा. तो फॉर n लेस देन 0 yn विल बी 0. ओके, क्योंकि कोई ओवरलैप, कुछ कॉमन कोई सीक्वेंस है नहीं इनके बीच में, तो ये 0 आ जाएगा. ओके, फॉर नेक्स्ट कंडीशन, when n वेरी फ्रॉम 0 to 3, जब ये n है वो पॉजिटिव में होगा, लेकिन वो एग्जिस्ट करेगा कहां से कहां तक, ये जो 0 और 3 के बीच में, 0 से और 3 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तभी ये ओवरलैप करेगा. क्योंकि n अगर लेस देन 0 है, तब तो yn 0 आ गया, ये yn जो मल्टीप्लाई था इसका 0 आ गया. जब n की वैल्यू, फॉर नेक्स्ट कंडीशन वी आर कंसीडरिंग द वैल्यू ऑफ n इज बिटवीन 0 to 3, जब 0 to 3 है, दैट देन दिस yn विल बी, ये yn क्या होगा, समेशन ऑफ k इक्वल्स टू, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ओवरलैप भी 0 स्टार्ट होगा, 0 से n तक, n विल बी, n कैन बी एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 3. ठीक है, और ये x ऑफ k क्या था, ये uk minus 4, ये 1 हो जाएगा, 1 into
ए टू द पावर एन माइनस के, ठीक है, वीडियो में एन माइनस के, ये वाला एच ऑफ एन माइनस के जो है ये हमने इधर पे मल्टीप्लाई कर दिया। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए टू एन क्या है, दिस इट इज इंडिपेंडेंट एज समीशन विल बी के इक्वल्स टू जीरो टू एन, सो इट विल बी के इक्वल्स टू जीरो टू एन ए टू द पावर माइनस के, तो ये क्या है वन बाई ए का होल के। ओके, आफ्टर फर्दर सॉल्विंग दिस वी कैन इजिली सी डेट इट इज अ फाइनेट जीपी, ठीक है, फाइनेट जीपी कैसे, k की वैल्यू जीरो से, k की वैल्यू जीरो प्लस वन बाई ए प्लस वन बाई ए का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए टू ए एन तक, ये क्या है फाइनेट जीपी है। तो इसका फॉर्मूला जब हम लगाएंगे ए टू एन आएगा, फर्स्ट सिक्वेंस क्या था, ए क्या था वन था, तो इसका जो फॉर्मूला होगा सम ऑफ जीपी फाइनेट जीपी का क्या होता है, ए इंटू वन माइनस आर टू दिवा एन वन माइनस आर, आर क्या कॉमन रेशियो, ए है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म विल बी वन, वन इंटू वन माइनस ए टू द पावर एन प्लस वन, क्यों होगा, क्योंकि ये जीरो से एन तक है, जीरो से एन तक है तो हम क्या लेंगे, सब सैंपल को ले रहे हैं तो एन तक तो है ही, तो जीरो और एक सैंपल है तो इसमें भी एन प्लस वन डिवाइड बाय वन माइनस वन बाई ए। ओके, सो दिस विल बी, दिस इज नॉट डिजायरेबल जस्ट फॉर क्लियरिफाइंग द थिंग्स, सो वाई एन विल बी, to further simplify the this after solving this taking common and cancel it out, so we will get a to the n plus 1 minus 1 divided by a minus 1. Okay, so yn will be this a to the n plus 1 minus 1, and also all of you know that that in this it is defined that that a value of a is between 0 to 1, so we will this we will take yn in this way, okay, by taking negative common, so this yn exists for, ye kab se kab exist karega, jab n ki value 0 se 3 tak thi, jab n ki value 0 से, ये जो n की वैल्यू 0 से इसके बीच में थी, 0 से 3 के बीच में थी, अब ये एक कंडीशन आ गई। तीसरी कंडीशन हमने देखनी है, हम अलग अलग n की वैल्यू को देखेंगे, n की वैल्यू को ट्रैवल करके देखेंगे, अलग अलग n की वैल्यू में क्या आएगा, n लेस देन 0 में 0 था, n की वैल्यू 0 से 3 तक आए तो ये था, n की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आए, अगर n की वैल्यू दिस n विल बी इफ n इज ग्रेटर देन 3, तो कहां से कहां एग्जिस्ट करेगा, ये तो ये सीक्वेंस xn का सीक्वेंस 0 से 3 तक सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है, n की वैल्यू 3 से ज्यादा है, 3 की कहीं कितने भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो, 7 हो सकता है, कुछ भी हो जो 3 से ज्यादा हो, लेकिन उसमें क्या होगा, हमारा जो ओवरलैप होगा वो सिर्फ कहां से कहां तक होगा, 0 से 3 तक होगा, क्योंकि x के नॉन जीरो कब है, 0 से 3 के बीच में, ये जो h ऑफ n माइनस k ये तो नॉन जीरो होगा कहां तक, 3 से ज्यादा जो है, लेकिन हमारा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या होगा, सिर्फ ओवरलैप में हम देखेंगे, अदरवाइज इट विल बी जीरो, जो दूसरे सैंपल मल्टीप्लाई होंगे वो जीरो होंगे, सिर्फ हमारे ये जो सैंपल है जो 0 से 3 तक, जो इसमें भी जो 0 से 3 तक आएंगे वही हम लेंगे, क्योंकि उसी में नॉन जीरो वैल्यू है वहां पे, तो yn विल बी इट्स लिमिट विल बी चेंज फ्रॉम k इक्वल्स टू 0 टू 3, पिछले केस में n था क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर नहीं पता था, 0 से 3 के बीच में था, तो इसलिए इस तरीके से आया है। अब इस केस में हमें पता है कि वो 3 से ज्यादा है, तो 3 से ज्यादा है तो ओवरलैप 3 तक ही हुआ, क्योंकि नॉन जीरो जो सैंपल है xn का वो 3 तक ही एग्जिस्ट कर रहा है, सो वी आर टेकिंग k इक्वल्स 0 टू 3 x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। ओके, सो समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 0 टू 3 xk विल बी 1। ओके, xk क्या uk था, तो वो क्या है un minus, un minus 4, तो वो सब 1 था, h of n minus k क्या है a to the power n minus k, ठीक है, तो an will be, an is independent of this k, so we can take the outside of this summation a of minus k, so it is also a finite gp, so we can put the formula of finite gp, what it is, a 1 minus r to n 1 minus r is sum of finite geometric progression. Okay, it is a finite GP. So, A
a to the n 1 minus, this is 1 by a to the power 4. It will be n equals to 3 here, n equals to 3, but in the total we have 0 also, so we have 4 here, 1 by a. So by solving this, we will get, after solving it, we will get a to the power n minus 3 into 1 minus a to the 4 divided by 1 minus a. This yn exists for when n is greater than 3. So in this way, greater than 3 or equal to 3. If n is equals to 3, then also it will overlap up to 0 to 3. So in this way, for different condition, we have to find this yn. क्योंकि ये n क्या है, n हमारा डिफाइन नहीं होगा जब h of n minus k लिखा, तो इस n की अलग अलग वैल्यू पे देखेंगे कि h of k से कहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं. अगर n की वैल्यू लेस देन 0 है, देन इट विल बी 0 बिकॉज नो ओवरलैपिंग, ओवरलैप सिंपल इज देयर. जब n की वैल्यू 0 से 3 के बीच में है, तो ओवरलैप होगा, कुछ होगा, जो कितना होगा 0 से n तक होगा. और फिर हमने समेशन में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगा के ये फॉर्मूला निकाल, ये फॉर्मूला पुट किया और yn हमने निकाला. उसी तरीके से when n is greater than 3, जब n जो है, ये वाला जो है, वो n greater than 3 होगा, तो that will completely this overlap this xk. So इसकी जो overlapping जो limit होगी, वो कहाँ से कहाँ, 0 से 3 तक होगी. और उस तरीके से हम yn gp progression, एक sum of gp आएगा, तो उस हिसाब से हम yn calculate करेंगे. So I hope it is clear now that how we will do this convolution by analytical method. So if still any doubt exists, then please let me know. Thank you.